एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के स्लंगी प्लेटफॉर्म पर। सो आपका जो एनटीटी का है चंडीगढ़ डिपार्टमेंट की तरफ से और जो आपका जेबीटी है उसका रोल नंबर वाइज और कैटेगरी वाइज आपके नंबर यहां पर जारी किए गए थे। अब आपका डीवी स्केड्यूल यहां पर रिलीज़ कर दिया गया है दोनों ही पोस्ट के लिए, एनटीटी के लिए भी और जेबीटी के लिए भी। तो आपको यहां पर डीवी के साथ साथ आपको जिन बच्चों का यहां पर डीवी होना है उनकी लिस्ट भी साथ में इंक्लूड करके दी है। तो ये दोनों पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगी, एक पीडीएफ के अंदर ही आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो यहां पर जो बात हो रही है वो जेबीटी की 396 पोस्ट पे जो आपका एग्जाम हुआ है 28 अप्रैल को उसकी बात हो रही है। और जो आप लोगों का जिनका भी डीवी होने वाला है तो जिन जिनका होगा वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। तो आपका 2 जुलाई और 3 जुलाई को आपका डीवी रहने वाला है। जो एड्रेस रहेगा वो ऑडिटोरियम गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 18 चंडीगढ़ रहने वाला है। और आप ये सारी जानकारी इनकी साइट पर भी देख सकते हो। और कैंडिडेट वाइज स्केड्यूल जो है आपको यहाँ पर अवेलेबल है जो कि मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ। और आपको जो है अपने तय मतलब जो आपका निर्धारित टाइम है, जो समय है, जो आपको दिख जाएगा इस लिस्ट के अंदर, उससे आपको 15 मिनट पहले जाने के लिए बोला गया है। साथ ही आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर के लेके जाने हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट आपने ज़रूर लेकर के रखा होगा। उस प्रिंट आउट वाले एप्लीकेशन फॉर्म को भी लेकर के जाना जिसमें आपको फोटोग्राफ हो, ठीक है। और साथ ही आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, कैटेगरी, एज प्रूफ और जितने भी आपको डॉक्यूमेंट आपने सबमिट कर रखे हैं जो कि आपने फॉर्म फिल करते टाइम बताया है वो सारे आपने लेकर के जाने हैं। तो ओरिजिनल लेकर के जाएंगे, ये सब आप चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस एक बार आप देख लीजिए भाई, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करनी है जब आप जाएंगे यहाँ पर 2 और 3 तारीख को, और किनको 2 को जाना है किनको 3 को जाना है ये सब आपको पता चल जाएगा वीडियो में। तो आपको क्या लेकर के जाना है, पहली चीज़ इन्होंने मेंशन कर रखी है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जिस पर आपका फोटोग्राफ जो है पोस्टेड हो, ठीक है, वो आपको लेकर के जाना है। यानी कि आपने जब अप्लाई करा था ना वो वाला आपने ले रखा होगा सबने। उसके बाद फोटोग्राफ डिक्लेरेशन ऑन एप्लीकेशन एंड ऑल द फोटोकॉपीज अटैच्ड विद द प्रिंट आउट आर टू बी साइन, यानी कि सारी चीज़ें आपके द्वारा सिग्नेचर आपने लगा रखा हो उन सभी में। रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, जो रोल नंबर है इज ऑल्सो टू बी रिटन ऑन ईच डॉक्यूमेंट अटैच्ड विद द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के साथ आप जो भी डॉक्यूमेंट लगाएंगे उनके ऊपर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर जो है सब चीज़ अटैच करेंगे, सब कुछ आप लिखेंगे उनके ऊपर। इसके अलावा फोटोकॉपीज आपसे मांगी गई है आर टू बी अटैच्ड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर आल्सो टू बी शोन, ठीक है। आपको फोटोकॉपीज भी लेकर के आना है, कोशिश करना 2 से 3 फोटोकॉपी आप बना करके लेके जाना। और सारी चीज़ों को ऐसे मतलब इधर उधर करके मत लेके जाना, मतलब मैच्योरिटी दिखाना वहाँ पर। आप सीक्वेंस वाइज सारी चीज़ें लगाएंगे, जैसे इन्होंने यहाँ पर 1 2 3 करके लिखा है ना, इसी सीक्वेंस में आप फोटोकॉपीज़ को भी रखेंगे और साथ के साथ अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी रखेंगे। ऐसा ना हो कि आप वहाँ पर इमेच्योरिटी वाली बात करते हैं, आपसे मांगे कुछ और आपको पता ही नहीं है कि आपने कहाँ पर क्या रख रखा। आप सभी शिक्षक बन चुके हैं, आप यही लगा लो, है ना। बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ होनी है। और 1.5 गुना लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है, जो आपका कैटेगरी वाइज है उससे 1.5 गुना बुलाने की बात यहाँ पर करी गई है आपके पोस्ट वाइज। तो लेट्स सी क्या होता है। अब जो है आपको जितने भी आपका एलिजिबिलिटी वाली चीज़ है उनकी बात करी गई भाई, जो जो आपने अपनी एलिजिबिलिटी को दर्शाने के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं आपने अपने फॉर्म भरते वक्त, वो सारे आपको लेकर के जाने हैं। 10th 12th क्लास का जिसमें आपको डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, ठीक है। आपने जो भी एलिजिबिलिटी अपनी दिखाई है, भाई मेरे पास ये है इसलिए मैं इसके लिए एलिजिबल हो जाता हूँ। साथ ही ICT की बात करी गई है, जो आपका ICT का जो CCC कोर्स है 80 घंटे का उसकी बात करी गई है। उसके अलावा आपकी रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपसे मांगा गया है। एज रिलैक्सेशन के लिए अगर आपने कुछ लगाया है तो वो मांगा गया है। फीस का डिपोजिशन का प्रूफ आपसे मांगा गया है, कोई भी अगर कोई अलग से कोई सर्टिफिकेट है तो वो आपने यहाँ पर लगा लेनी है। कोई अदर रिलेवेंट सर्टिफिकेट है एलिजिबिलिटी का, एज रिलैक्सेशन का, कैटेगरी का, मेरिट का, वो सब आप यहाँ पर लगाएंगे। गवर्नमेंट इशूड ID प्रूफ, वोटर का ID कार्ड, आधार कार्ड, ये सब आप लेकर के जाएंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लेकर के जाने हैं, इनकी फोटोकॉपी के साथ साथ आप इनका ओरिजिनल भी लेकर के जाएंगे, वो आपसे मांगेंगे वहाँ पर, ठीक है। फोटोकॉपी तो आपसे ले लेंगे, ओरिजिनल भी आपको दिखाने के लिए कहेंगे। तो आप एक सेट बना करके ज़रूर लेकर के जाएं भाई, मतलब सारी चीज़ों को, ठीक है। तो यही सेम चीज़ यहाँ पर लिखी गई है जो कि स्कूल की तरफ से भी है भाई, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर फॉलो करनी है। अब बात करते हैं कि जिन जिन का यहाँ पर नंबर आया है, तो 43 पेज का ये PDF है टोटल, जिसमें आप देख सकते हो भाई सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क जो है वो 118 है हिमांशु कश्यप के। और यहाँ पर जो है आपको दिखाई दे रहा है सारी चीज़ें आपको, रोल नंबर वाइज, रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट का नेम, जेंडर, कैटेगरी, आपके मार्क्स कितने हैं, डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे 2 तारीख के स्टार्टिंग में यहाँ पर, और टाइमिंग भी यहाँ पर दिखाया गया और किस कमेटी से आपको करवाना है वो कमेटी भी
यहाँ पर मेंशन करी गई है। साथ ही ये जो चीज़ें वो आपकी कैटेगरी वाइज इन्होंने मेंशन कर दिया, ये अच्छी बात है, कैटेगरी वाइज डाल दिए सारी चीज़ें। तो ये पूरा 43 पेज का PDF है, इसमें आप अपना नाम वगैरह सब कुछ देख सकते हो, भाई आपकी क्या कैटेगरी है पर्टिकुलर उस पर जा सकते हो ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, OBC है, EWS है, आपका SC ST है, जो भी कैटेगरी है कैटेगरी वाइज, जैसे अभी तक आपका जनरल चला हुआ था अभी ये OBC आ गया है, तो आप ऐसे अपना चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आपका 2 और 3 तारीख को DV है भाई। अब नेक्स्ट जो है आपका उसकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो DV रखा गया है वो आपका एंटिटी पोस्ट के लिए है, जिसका 7 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ था, और 1/5 टाइम कैंडिडेट को बुलाने की यहाँ पर बात करी गई है। कैटेगरी वाइज 1/5 टाइम, 1.5 ओनली द नंबर ऑफ पोस्ट अंडर ईच कैटेगरी। 4 तारीख को है आपका, 2 और 3 को आपका JBT का है, और 4 तारीख को यहाँ पर आपका एंटिटी वालों का है। सेम रहेगा ऑडिटोरियम, गवर्नमेंट गर्ल्स को मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और सारी डिटेल्स आपको इनकी साइट पर अवेलेबल हो जाएंगी, और आपको 15 मिनट पहले पहुँचने की बात करी गई है। और जो आपने वहाँ पर चीज़ें देखी थी वही सेम यहाँ पर है भाई, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म लेकर के जाएंगे, साथ ही आपके जितने भी फोटोग्राफ्स, डिक्लेरेशन, एप्लीकेशन नंबर, सब चीज़ आप लेकर के जाएंगे, आप अपनी जो फोटोकॉपी है वो भी लेकर के जाएंगे, और सबके ऊपर आपका रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर जो है लिखा हो, आपके द्वारा सिग्नेचर हो उन पर, और आपकी एलिजिबिलिटी आप अकॉर्डिंगली लगाएंगे जो भी आपने सबमिट कर रखी है। ICT कोर्स की यहाँ पर बात करी गई है, उसके रिलेटेड भी आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, और आपकी जो भी ये सारी चीज़ें जो मैं आपको अभी ऊपर JBT में बताया वही सेम चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आपका 4 तारीख को है भाई, जिनका भी एंटिटी का है, ये सब स्कूल की तरफ से भी सेम बातें लिखी गई है। और यहाँ पर 14 पेज का ये PDF है, जिसमें आप अपना सिमिलरली जैसे हमने JBT में देखा है वैसे आप चेक कर सकते हो, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, जेंडर, कैटेगरी, मार्क्स ऑब्टेन, डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और कमिटी। तो आप सबका 4 ही तारीख को होने वाला है, तो आप अपना टाइमिंग जो है देख लीजिएगा एक बार, अगर हाँ सबका अलग अलग ही है, किसी का 9 बजे है, किसी का 11 बजे है, तो अपना कैटेगरी वाइज देख सकते हो। ठीक है, सबका कैटेगरी वाइज दिया गया है, जनरल वालों का भी, OBC का भी, SC ST का भी, EWS का भी, सबका कैटेगरी वाइज दिया गया है। तो जिनका भी यहाँ पर नाम है सबको यहाँ पर उपस्थित होना है, अपनी प्रेजेंस दिखानी है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। बाद में आपकी एक फाइनल जो सिलेक्शन वाली लिस्ट है वो जारी की जाएगी, ये आपका लास्ट प्रोसीजर है जिसको आपको फॉलो करना है, इसके बाद आपको डायरेक्टली सिलेक्शन वाली लिस्ट देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही है, ये दोनों PDF मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगी, टीचिंग गोल्स नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पर जुड़ सकते हो फॉर मोर अपडेट्स एंड फॉर मोर PDFs वगैरह, सारी चीज़ें मैं वहाँ पर डाल देती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।